जय माता दी ऑल। और आज सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की शिकायत थोड़ी सी दूर कर दें, और अभी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को जैसे शेड्यूल बनाकर दिया, तो प्रोफेशनल प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की शिकायत आनी शुरू हो गई। व्हाट्सएप आए जा रहे हैं कि सर आपने शेड्यूल भी बनाकर दे दिया, आपने उनको डिस्काउंट भी दे दिया, सर हमारे लिए कुछ भी नहीं। सॉरी सॉरी, हाँ आपको कैसे भूल सकता हूँ, बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट शेड्यूल पार्ट ऑल्सो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्काउंट पार्ट ऑल्सो, और थोड़ी सी गाइडेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें। तो नाउ टॉकिंग अबाउट थ्री थिंग्स ओवर हेयर, द डिस्काउंट्स, द शेड्यूल एंड द विल गाइडेंस पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट शेड्यूल, सबसे पहले शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, डिस्काउंट्स के बारे में लास्ट में बात करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट अबाउट द शेड्यूल, व्हेन आई से जैसे मैंने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को समझाया था, वैसे ही आपको भी बताना चाहूंगा कि वेल हाउ टू डिवाइड दिस कमिंग 85 डेज अप्रोक्सीमेटली इन हैंड। तो मेरे हिसाब से वैसे आप लोग ऑलरेडी बहुत समझदार हो, स्टिल क्योंकि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, दैट्स व्हाई शेयरिंग विद यू पीपल। एंड द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई विल से आई विल नॉट टेक इट एज 85 86 डेज, आई विल से 81 डेज, 81 डेज। और अगर आप ऑल थ्री ग्रुप्स दे रहे हैं तो मतलब टोटल 9 पेपर्स, 81 डेज डिवाइडेड बाय 9 पेपर्स विद अ प्रिजम्पशन, वेल आई विल से कि आप ऑलरेडी सिलेबस पहले कंप्लीट कर चुके हैं, अब सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं। नाउ 81 डेज डिवाइडेड बाय 9, एंड दैट इज वेल 9 डेज पर पेपर आपके हाथ में है, 4.5 डेज पर पेपर वन रिवीजन, 4.5 डेज सेकंड रिवीजन। लेकिन एडजस्ट करना है इसको आपको कैसे, वेल अगर कोई पेपर की लेंथ ज्यादा है तो वेल मे बी यू कैन टेक 11 डेज फॉर दैट पेपर, एंड 5.5 डेज, 5.5 डेज फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन। और जिस पेपर की लेंथ कम है, यू कैन कीप 7 डेज फॉर दैट पेपर, 3.5 डेज, 3.5 डेज फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, और फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन ऑफ द सेम पेपर, राइट। जैसे आपके वो जो ओपन बुक एग्जाम्स हैं, इफ यू आर इन द ओल्ड सिलेबस यू वर हैविंग आई थिंक वन, इन न्यू सिलेबस यू आर हैविंग टू ओपन बुक एग्जाम्स, जिसके लिए आपको टाइम कम चाहिए, तो उसके लिए आप टाइम जोन कम रखिए, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए एंड रिवाइज। और फिर आपको ये देखना है कि जैसे आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पेपर है, तो आपको फर्स्ट रिवीजन अगर अभी मार्च में करनी है, तो उसकी सेकंड रिवीजन क्या आपको अप्रैल में करनी है या आपको मई में करनी है, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड वेल एट द सेम टाइम मेक योर ओन शेड्यूल बाय योर सेल्फ। और अगर दो पेपर्स को आप पैरेलल रखना चाहते हैं, लाइक इफ आई एम सेइंग कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अगर आपने 5 दिन रखे हैं, और ऐसे ही अगर आपने टैक्सेशन के लिए 5 दिन रखे हैं, तो टोटल बिकम्स 10 डेज। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, हाफ डे टैक्सेशन, हाफ डे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, एंड टोटल 10 डेज में दो पेपर खत्म करने हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑलवेज देयर, फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑलवेज देयर। सर एक पेपर पढ़ते हुए बोर हो जाते हैं, हर स्टूडेंट का अपना अपना अलग अलग हिसाब किताब है, क्या कहूँ, सबका अपना अपना टेम्परामेंट है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें एक पेपर एक दिन में पढ़ने में कोई बोरियत नहीं होती है, और हम 10 डे, 10 आवर्स, 12 आवर्स पर डे हम एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देकर आउटपुट वेल निकाल सकते हैं, और आउटपुट आनी चाहिए 100 बातों की एक बात। और अमलगमेशन जब हम सुबह पढ़ना शुरू करते हैं, पूरा दिन अमलगमेशन पढ़ते रहते हैं, और हमें लगता है कि एक दिन में फुल अमलगमेशन, और उसके जो वेल अमलगमेशन का जो कंपटीशन एस्पेक्ट का एस्पेक्ट है, एलओडीआर का एस्पेक्ट है, अकाउंटिंग एस्पेक्ट है, टैक्सेशन एस्पेक्ट है, स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट है, अमलगमेशन एक ही दिन में पूरा खत्म कर दें सर, तो आप एक दिन में पूरा अमलगमेशन खत्म कर दीजिए, और एक ही दिन में सर पूरा टेक ओवर खत्म कर दें, टेक ओवर ऑफ लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज, योर ऑप्शन, योर योर फ्लेक्सिबिलिटी देयर। और अगर आपको लगता है नहीं सर ये जो लॉ का पेपर है ना, ये 6 घंटे 7 घंटे से ज्यादा पढ़ते हैं ना, दिमाग बड़ा हैवी हो जाता है, लीगल इंटरप्रिटेशन एंड ऑल दैट, इससे ज्यादा अपने बस की नहीं है, हमें तो साथ में फिर दूसरा पेपर कुछ चेंज चाहिए होता है, और चेंज होता है तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाते हैं। कीप योर शेड्यूल एज पर योर रिक्वायरमेंट, लेकिन अपना शेड्यूलिंग कर लीजिएगा 81 डेज का, और लास्ट में 9 डेज व्हेन यू आर हैविंग, तो पहले 3 दिन एग्जाम से जस्ट पहले वाले 3 दिन तो आप वो पेपर नंबर वन पढ़ रहे होंगे, उससे पहले वाले 6 दिन या तो आपको ग्रेजुएशन के लिए चाहिए, या तो आपको किसी ऐसे टॉपिक के रिवीजन के लिए चाहिए जो टॉपिक आप चाहते हैं कि एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज हो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन 6 डेज बिफोर द एग्जाम, वो किसी भी पेपर के टॉपिक्स हो सकते हैं, एनी वन पेपर टॉपिक्स कुड बी देयर। और 6 दिन बहुत होते हैं, और हम तो कहते हैं आप एक एक दिन में वो 12 12 14 14 घंटे, उस वक्त तो कोई बोलता नहीं है ना पढ़ने के लिए इतना, उस वक्त तो खुद ही पढ़ाई हो रही होती है 14 घंटे 16 घंटे, वेल 10 डेज बिफोर द एग्जाम चल ही रहा होता है, उस वक्त बोलना नहीं पड़ता पढ़ो,
वो तो अभी भी नहीं बोलना पड़ेगा, आई होप सो, वेल, लेकिन उस वक्त तो आप अलग ही स्केल पे चल रहे होते हैं और फ्लाइंग गियर में गाड़ी डाल रखी होती है, तो वेल, डू योर रिविजन दैट वे। और अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम से पहले यू वॉन्ट स्पेशल, आई एम गिविंग यू अ फूड फॉर थॉट, स्पेशल 21 डेज बिफोर द एग्जाम। स्पेशल 21 डेज क्यों बोल रहा हूँ बिफोर द एग्जाम, तो 3 डेज फॉर फर्स्ट पेपर वो तो आप अलग कर दो, और उससे पहले रादर आई विल पुट इट दैट वे 8 पेपर्स एंड 2 डेज पर पेपर, तो 16 डेज, तो पुट इट लाइक 16 + 3 19 डेज, स्पेशल 19 डेज अगर आपको चाहिए एग्जाम से पहले, एंड 3 डेज फॉर फर्स्ट पेपर वो तो अलग कर दिया, 16 डेज अलग से, 2 डेज पर पेपर फॉर रिवीजन, जिसमें आप एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा सा, 2.5 डेज किसी पेपर में चाहिए और कहीं पर 1.5 डेज चाहिए, तो आप 16 डेज रख लो वो लास्ट फाइनल रिवीजन के लिए, और उससे पहले फिर आपके पास जो बच जाता है, तो आई विल से इट्स वेरी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट यू आर हैविंग इन योर हैंड्स नाउ, 19 डेज, और इधर आपके पास अभी टोटल टाइम जोन अवेलेबल इज 86 डेज, 86 डेज माइनस 19 डेज एंड दैट कम्स टू 67 डेज इन हैंड, नाउ 67 डेज इन हैंड डिवाइडेड बाय 9, और फिर उसमें अब आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिए, यू कैन डू दैट, यू आर हैविंग काइंड ऑफ 4.5, व्हाट शुड आई से, 7.5 डेज पर पेपर इन योर हैंड, 7.5 डेज पर पेपर इन योर हैंड मतलब काइंड ऑफ 3.5 डेज पर पेपर इन योर हैंड फॉर वन रिवीजन, 3.5 डेज फॉर सेकंड रिवीजन, या जिस पेपर में टाइम ज्यादा देना है वहां पर 4 डेज, और 4 डेज 4 डेज का शेड्यूल बना दीजिए, जहां पर कम टाइम देना है वहां 6 डेज 6 डेज का शेड्यूल, 3 3 डेज का 2 शेड्यूल बना दीजिए, आई होप गेटिंग दैट। टैक्सेशन की 2 रिविजन चाहिए 4 डेज 4 डेज ईच, और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की 2 रिविजन चाहिए 3 डेज 3 डेज ईच, ऐसे करना है, या 4 डेज 4 डेज ईच, जहां पेपर छोटा है वहां 3 डेज 3 डेज ईच, लास्ट के लिए स्पेशल कीप 21 19 डेज इन योर हैंड, और 19 डेज का ब्रेकअप मैंने आपको बता ही दिया है, वो 3 डेज इमिडिएटली बिफोर एग्जाम फर्स्ट पेपर, और उससे पहले वाले 16 डेज में यू आर डिवाइडिंग दैट इनटू 8 पेपर्स, 2 डेज पर पेपर, या किसी पेपर में 2.5 डेज, किसी पेपर में 1.5 डेज। मेक योर शेड्यूल द वे यू वॉन्ट टू, गाइडेंस मैंने आपको दे दी है। नंबर 2, वेल आई लाइक टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट पार्ट, आपको वैसे सब्जेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी पता है, लेकिन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्यों मेरे दिल के बहुत करीब है, चाहे ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने उसमें ना झंडे गाड़े और करियर बनाया है अपना बहुत सॉलिड, तो मर्जर एंड एक्विजिशंस वेल इज अ क्रीम एरिया, और आप अपनी ट्रेनिंग इंडिया के टॉप 10 लॉ फर्म्स में, या फिर वेल आई विल से बिग कंपनी सेक्रेटरी फर्म्स में, प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म्स में ज्वाइन करते हैं इन द स्पेशल डिपार्टमेंट विच डील्स विद मर्जर एंड एक्विजिशंस, और फिर आप वहाँ स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं, और कल को आप वहाँ पर एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, एंड देन योर करियर एक्सपैंड्स इन द मर्जर एंड एक्विजिशंस, दैट्स वन करियर ऑप्शन, ग्रेट करियर ऑप्शन। एंड सेकंड वन आई विल से दैट इज ऑब्वियसली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मर्जर एक्विजिशन, आई एम टॉकिंग अबाउट अमलगमेशन इन द कंपनी लॉ, एंड अमलगमेशन इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स कनेक्टेड विद द अमलगमेशन, नॉट ओनली द कंपनी लॉ एस्पेक्ट्स बट सेबी एस्पेक्ट्स, कॉम्पिटिशन एस्पेक्ट्स, फेमा एस्पेक्ट्स, टैक्सेशन एस्पेक्ट्स, स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट्स, सब कुछ आ गया उसके अंदर, और साथ साथ टेक ओवर्स, होस्टाइल टेक ओवर और फ्रेंडली टेक ओवर, रिवर्स टेक ओवर, ऑल टाइप ऑफ टेक ओवर्स, वट एवर, आल से वो सब कुछ सॉलिड हो गया आपका, तो एमएनए डिपार्टमेंट के अंदर आप एक्सेल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो डूब कर अगर आपने पढ़ाई की है, वेल दैट इज इम्पॉर्टेंट। और उसके अलावा दैट सेकेंड पोर्शन विच इज इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड विच इज मोस्ट हैपनिंग थिंग राइट नाउ इन इंडिया, along with that SARFACE Act, Recovery of Debt Act, and winding up provisions, अब तो नए वाले winding up rules भी आ गए हैं, तो one should be aware of that also in office when you'll reach there, तो वो सब कुछ बहुत दम लगा कर पढ़िए, और ऐसे students हैं जो training के time पे insolvency bankruptcy code के लिए NCLT में appear होने के लिए जा रहे हैं with their boss, and going to the NCLT and appearing in the NCLT with the boss, and well listening to the arguments is by itself is a very good learning process, practically us IBC ko padhna jisko hum dam laga kar well padhte hain CR ke andar, baki jo advanced company law hai ya company law hai wo to hamara mother law hai old syllabus mein, aur mujhe bada dukh hota hai jab aise students bhi hamare paas aate hain video lectures lene ke liye, aaj ki tarikh mein to main bol sakta hu obviously face to face to nahi, lekin video lectures ke liye jo aakar bolte hain ki sir 15 months ki training bhi hum complete kar chuke hain jo old training structure tha, आता जाता सर अभी भी कुछ नहीं है कंपनी लॉ के अंदर, कॉन्फिडेंस ही नहीं है सर कंपनी लॉ का पेपर देने के लिए, तो
तो वो घबराहट अभी भी है मार्च 2021 में. तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे पास आते हैं. लेकिन आई विल सिंपली से गॉड ब्लेस यू, और मैं चाहूंगा कि आपकी प्रिपरेशन एडवांस कंपनी लॉ में इतनी सॉलिड हो कि आप अपना करियर, जब मैं बोलता हूँ मे बी इन टॉप 10 लॉ फर्म्स और मे बी बिग कॉर्पोरेट्स और मे बी सम बिग प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म्स, जहां पर भी बनाए आप, तो कंपनी लॉ आपका हमेशा हाथ पकड़कर चलेगा इफ यू हैव स्टडीड कंपनी लॉ इन डेप्थ. तो कंपनी लॉ हमारा मदर लॉ है, हमारी भागवत गीता है, और मैं बोलता हूँ हमारी AK-47 है. और बोर्ड मीटिंग में जब एक कंपनी सेक्रेटरी बेरेक्ट खोलकर बेरेक्ट से कुछ बोलता है, तो मैं तो बोलता हूँ वो AK-47 चलाता है और फायरिंग करता है ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑन द मैनेजिंग डायरेक्टर. सो वेल ऑल सेड एंड डन टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट जिसकी इंतजार आप लोग कर रहे हैं, हैवी डिस्काउंट्स इन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इन एडवांस कंपनी लॉ, एंड वेल ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस ऑन अवर वेल ऐप ऑन मेक माई करियर, प्लीज चेक आउट दैट वन. और एक चीज और, डिस्काउंट्स के साथ साथ डिस्काउंट्स अपनी जगह पर रहेंगे आपके लिए फॉर जून 2021 एग्जाम ऑल्सो, फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम ऑल्सो वी आर ऑफरिंग द डिस्काउंट्स. बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं अपनी ऐप में दे रहा हूँ आपको, अमेंडमेंट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट, वॉच इट. थैंक यू सो मच. जय माता दी.